दुनिया में कई ऐसे वाकयात रोनुमा होते हैं जो खुद ब खुद तारीख का हिस्सा बन जाते हैं, जिनसे माजी, हाल और मुस्तकबिल का दर्स मिलता है। ऐसे ही वाकयात में एक तकसीम हिंद में मुसलमानों की हिजरत है। सदियों तक साथ रहने और एक दूसरे की खुशी गम में शिरकत करने वाले पलक झपकते ही जान के दुश्मन बन गए। तकसीम हिंद दास्तानों की ऐसी किताब है जिसका हर सफ़ा खून के आंसू रुलाता है। घर छुटे, जायदादें लुटीं, बेटियां कुएं में डूब मरी, तो कहीं बाप औलाद को बचाते बचाते दम तोड़ गया। लुटे पिटे काफले, बिछड़ने वाले प्यारों को ढूंढती आंखें, इंतजार, उम्मीद और वसवसों के साथ नई जिंदगी की इब्तिदा। हिजरत से जुड़ी इन्हीं कहानियों में से एक कहानी मुमताज बेगम अरशद और इरशाद बेगम की भी है, जो अंबाला से हिजरत करके लाहौर पहुंची। आइए इनकी कहानी इन्हीं की जबानी सुनते हैं। मेरा नाम मुमताज बेगम अरशद है, मेरी उम्र 88 साल है और हम इंडिया के शहर अंबाला के रहने वाले हैं। जब पाकिस्तान बना तो मेरे वालिद शाहबाद के कस्बे में थे, वो पोस्टमास्टर थे और मेरे दादा पुलिस में, ब्रिटिश पुलिस में SHO थे और हम 10 बहन भाई थे और वालिद वालदा हम सब लोग इकट्ठे रहते थे और करीब करीब मोहल्ले में इधर उधर करीबी रिश्तेदार थे, वहाँ पे लोग अक्सर इकट्ठे ही रहते थे। मेरा नाम इरशाद बेगम है और मेरी उम्र 86 साल है। हम अंबाला शहर के रहने वाले हैं। सब बहन 8-10 बहन भाई जो हम थे वो सब एक जगह रहते थे। जब पाकिस्तान बना तो मैं 7th क्लास में पढ़ती थी। हमें ये कहा गया एक दिन कर्फ्यू के दौरान कि आप लोग यहाँ ये मोहल्ला छोड़कर सामने वाले मोहल्ले में चले जाएं क्योंकि कर्फ्यू लग रहा है। हमारे वाली साहब ने कहा कि जल्दी से अपना सामान वहाँ शिफ्ट कर दें, लिहाजा हमने अपने घर का सारा सामान उस स्कूल में शिफ्ट कर दिया। लेकिन अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि पूरा SHO और थानेदार और गुंडों की पूरी पलटन आकर स्कूल में दाखिल हो गई और कहा कि मेरे वाली साहब की कनपट्टी पे उन्होंने पिस्तौल लगाई और कहा कि तुम्हें कहा था कि निकल जाओ यहाँ से। तो वाली साहब ने कहा कि आपने तो ये कहा था कि ये सामने वाला इलाका छोड़ दें, नहीं शूट कर दिए जाओगे। लिहाजा मेरी वालदा ने मेरे वाली साहब का हाथ पकड़ा और उन्हें कहा कि निकल जाएं। हम लोगों को यानी पाकिस्तान बनने से पहले ही वालदैन ने थोड़ा थोड़ा सोना हर बच्चे की कमर से बांध दिया था कि अगर पाकिस्तान बने और आप लोग बिछड़ जाएं, खाने को कुछ ना हो, कोई ना मिल सके, तो ये बेच कर आप लोग खा लो। मैं 9th क्लास में पढ़ती थी और एजुकेशन फ्री थी और बहुत मेयार की थी और हिंदू और सिख लड़कियां भी पढ़ती थी उस वक्त। तो ज़ाहिर है फिर छुट्टियां भी हो गई थी तो हम अपने घर चले गए और वहां से फिर हम वालदैन के पास थे। तो जैसे ही ये पार्टीशन अनाउंस हुई तो ऐसे लगता था कि एक फसाद बरपा हो गया। सिख कृपाने लिए घूमते थे, डराते थे, धमकाते थे और अक्सर हमने अपने सामने आँखों के लोगों को कत्ल होते देखा। और फिर जब हम वहाँ से अनाउंसमेंट हो गई और हमें बेदखल कर दिया गया तो हम नंगे सर नंगे पांव भागे और वो जेवर वगैरह वहीं रह गया और कोई चीज़ हमारे पास नहीं थी। एक भाई हमारा 4 साल का था जिसको बमुश्किल हमने साथ दौड़ाया अपने, और गोलियां बरस रही थी और कोई गोली इधर से निकलती थी, कोई इधर से निकलती थी। जब कैंप में हम पहुँचे तो हमारे पास कोई चीज़ नहीं थी, बेसरो सामानी का आलम था। मेरी वालदा रोने लगी। गोरखा रेजिमेंट जो थी वो इंचार्ज थी, वो सिर्फ इंग्लिश समझते थे। तो मेरे फादर पढ़े लिखे थे, पोस्टमास्टर थे,
तो उन्होंने फिर उनको बताया, तो उन्होंने थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा सामान दिया। हम एक रोटी 24 घंटे में खाते थे और थोड़ी सी दाल बगैर घी बगैर किसी चीज़ के, और हमारे पास कोई बिस्तर कोई सामान नहीं था, वही कपड़े थे जो तन पे थे। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे छोटे छोटे बच्चे। मस्जिदों में आयते करीमा के ख़त्म भी होते थे, क्योंकि उस वक्त भी अभी अनाउंस नहीं हुआ था, आसपास के जो मुजाफात देहात थे कत्लेआम वहाँ शुरू हो गया था। शहर में भी कत्लेआम था, नौजवान लड़कों को पकड़ पकड़ के मारते थे। बस ये था कि घरों में कैद हो गए थे, बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरी काम होता था तो निकलते थे, वरना घर में कैद होते थे। अक्सर मस्जिदों में आयते करीमा के ख़त्म होते थे, लेकिन जब पाकिस्तान ने अनाउंस हुआ फिर तो कयामत ही टूट गई। हमने तो वो मनाजिर देखे कि अल्लाह की पनाह। फाके से हम दो दो दिन के फाके से भी रहते थे। ऐसे हुआ कि 21 दिन के बाद हमारे लिए गवर्नमेंट पाकिस्तान ने सीटें भेजी कि फेडरल गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन हैं वो पाकिस्तान आए। वहाँ पे दो कुएँ थे, एक कुएँ में हिंदुओं ने जहर डाल दिया, एक था पानी पीने के लिए, वो लंबी लाइनें लगती थी। मैं एक बर्तन लेकर उस लंबी लाइन में लगी हुई थी कि मेरा छोटा भाई दौड़ता आया कि बाजी हम पाकिस्तान जा रहे हैं, हमारे लिए हुकूमत पाकिस्तान ने ट्रक भेजा है। वो मुझे इतनी खुश हुई कि मैंने वो बर्तन भी वहीं फेंक दिया, और वो जहाँ हमारा कुछ छोटा सा टेंट था वहाँ आए तो सब बहन भाई भी बेइंतहा खुश थे और मैं भी खुश थी। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि हमारी एक भांजी थी 8 साल की, जाहिर है इतने बड़े कैंप के लिए टॉयलेट का इंतज़ाम तो तकरीबन 2 किलोमीटर दूर करना था ना, तो वो भांजी जो थी वो कहीं गई थी, वो नहीं मिलती थी। उसकी बहुत तलाश की, आखिरकार जब लोग मिलिट्री ने कहा कि अगर आपने चलना है तो फौरन चलें, मेरी वालदा का रो कर कहने लगी कि आप लोग जाएं, मैं नवासी के लिए यहाँ ठहरती हूँ, जिंदगी हुई तो फिर मिलेंगे, वरना अल्लाह हाफिज़ है। अब हमारी जो बड़ी बहन जिनकी वो बच्ची थी, आप उनकी हालत को तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि एक माँ का गम दूसरा अपनी बेटी के वहाँ रहने का गम। खैर हम अल्लाह अल्लाह करके वहाँ सवार हुए। शाम हो गई, ईशा का जो वक्त हुआ तो हमारा जो ट्रक था ना उसका टायर फट गया। ये शंभू अम्बाला शहर के पास एक कस्बा था, वहीं पे हमारा रात का पड़ाव हुआ। हम लोग खाना पीना तो कैसा था, यही शुक्र किया कि चलो अल्लाह के फजल से हम यहाँ पर महफूज हैं। सुबह उठे, काफिला फिर रवाना हुआ पाकिस्तान की तरफ। अम्बाला शहर भी आया, अम्बाला छावनी भी आया, लुधियाना भी आया, जलंधर भी आया। तरह तरह के मनाजिर देखे कि नौजवान लड़कियों की बरहना लाशें बालों के साथ दरख्तों से बंधी हुई। नौजवान लड़के बूढ़ों को बहुत कम, पूरे नौजवान लड़कों को कत्ल करते थे, उनकी लाशें पड़ी हैं, गिद्ध और चील कौवे खा रहे हैं। एक दिन फिर हमारा पड़ाव रात को वो हुआ, फिर हम उस वक्त भी भूखे थे। जो लोग हमसे पहले आए हुए थे ना मुजाफात से, वो अपने साथ कुछ लेकर आए थे, हमने भी बनाया हुआ था कि कोई पंजीरी कोई चने ये वो, लेकिन हम तो बिल्कुल फिर गोली चलती में भागे, सब कुछ छोड़ गए। हमारा जो छोटा भाई रिटायर्ड कर्नल है, वो रोते हुए बस यही कहता जाता था, हाय हमारा पंजीरी का ड्रम तो दे दो, हम तो भूखे मर जाएंगे। रास्ते में जगह जगह पे लाशें थीं। फिर जब हम दरियाए ब्यास के किनारे आए तो हमें कहा गया कि भई अब तो ये रात हो गई है, अब आगे नहीं चल सकते, आप लोग यहीं ठहरें। जाहिर है मिलिट्री पाकिस्तान की मिलिट्री के सिपाही हमारे साथ थे। रात हमने वहाँ गुजारी। सुबह के वक्त हमारे वाले साहब ने कहा कि कहीं से कोई पानी मिले तो वज़ू कर लें या मुँह हाथ धो लें। उसकी तलाश में जो हम निकले, दरियाए ब्यास ज़रा दूर था, उन्होंने कहा कि कहीं और नज़दीक देखते हैं। पानी की तलाश में जो निकले तो देखा कि एक रज़ाई में लिपटी हुई एक बच्ची 15-16 साल की लेटी हुई है, और उसके पास इतना कच्चा आटा पड़ा है। उसने जो हमें देखा तो चीख मार के वो रो पड़ी। मेरे वाले साहब ने कहा, बेटा मैं मुसलमान हूँ, तुम कौन हो, मुझसे डरो नहीं। उसने कहा, मैं क्या बताऊं कि मैं कौन हूँ,
हम नकोदर तहसील से चले थे, हमारा जानवर थे, हमारी गाड़ी थी एक बैलगाड़ी, बैल मर गया। मेरे वाले साहब भी बूढ़े थे, माँ भी बूढ़ी है, दो भाई, एक बड़ा भाई था। मैं बीमार हो गई शदीद, मुझे बुखार था और मोशन इस कदर थे कि बस आप कुछ ना पूछें। थोड़ी मेरे वाले साहब ने इधर देखा उधर देखा कि कोई मिले जो इसे एक तरफ से वो पकड़े एक तरफ से, क्योंकि अगर मैंने गोद में उठाया तो मेरे वालिद के स्तन पे तो एक ही जोड़ा था ना। इतने में देखा कि एक खाक रोब जा रहा है। मेरे वाले साहब ने कहा भाई तुम इधर आना। हाँ, ये मेरे वाले साहब ने कहा ये 50 रुपये ले लो और इस बच्ची को एक तरफ से तुम पकड़ लो और एक तरफ से मैं पकड़ता हूँ, और जहाँ हमारी फ़ौज का पड़ाव वहाँ तक थोड़ी दूर है। गाली दे के कहते चल वाए मूसले। अब हैरान परेशान, तो मेरे वाले साहब ने कहा अच्छा बेटा तुम यहाँ रो, मैं अभी आता हूँ। तो रो के चीख मार के कहती तू भी मुझे छोड़ कर जा रहा है। वाले साहब ने कहा नहीं मैं तुम्हें छोड़ कर नहीं जाऊंगा, लेकर जाऊंगा, मैं किसी को लाता हूं अपने साथ जो तुम्हें पकड़ कर एक तरफ से लेके चले। बहरहाल एक फौजी हमारे साथ आया, एक तरफ से उन्होंने पकड़ा, उस सिपाही ने पकड़ा, एक तरफ से वाले साहब ने वहां लाए और उसे गाड़ी में बिठा के बच्ची को, हाँ मैं आपको ये बताऊँ कि मिशनरी वालों की मोबाइल डिस्पेंसरी थी 1 किलोमीटर के फासले पर क्रिश्चियंस की, वहाँ उसे ले गए। उन्होंने नर्सिस ने उसे साफ किया, कपड़े पहनाए और उसको वहाँ पर रख लिया। हम वापस आए, जिनके पास खाने को कुछ था वो कुछ निकाल कर खाते थे कुछ। अब हम बर्दाश्त तो नहीं कर सकते थे भूख, कहते थे कि अच्छा ये खाएंगे तो हम इनसे कुछ मांगेंगे, लेकिन इज्जत नफ्स ने ऐसा करने से मना किया। खामोशी से हम देखते रहे। एक डॉक्टर थे हमारे वालिद साहब के दोस्त, उनकी बीवी ने हमें एक मुट्ठी चने दिए। हमने वो चने जो थे छोटे बहन भाइयों को दे दिए। वो छोटे बहन भाई ऊपर से छिलका उतार के नीचे फेंक देने लगे और गिरी खुद खाने लगे। मैंने और इस बाजी मुमताज ने कहा कि तुम गिरी खा लो, छिलके हमें दे दो, हम थोड़े से छिलके खा लो। आपको क्या बताइए पाकिस्तान कितनी कुर्बानियों से ले। मेरे मामू, सगे मामू के घर के अफराद 13 बंदे शहीद हुए, खाला के 4 अफराद शहीद हुए, खालाजाद बहन के 6 नाबा रियासत ज़िला हिसार में बुढ़लाडा जहां मामू के अफराद शहीद हुए, ज़िला हिसार में एक और जगह थी वहां पर मेरी खाला के 4 बंदे शहीद हुए। सारा ननहाल हमारा मेरे मामू को शहीद करके उन्होंने, क्योंकि वो कमेटी के चेयरमैन बनते थे हिंदुओं के मुकाबले में, जिस वक्त उन पर हमला हुआ तो उन्होंने भी बहुत से लोगों को मारा, लेकिन जब असलहा ख़त्म हो गया उनका तो फिर वो खुश शहीद हुए। जो हमारी मामूजाद बहनें थीं, भांजियाँ भतीजियाँ जो थीं, नौजवान थीं, उन्होंने कुओं में छलांगें लगा दी सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए। मर्द सारे शहीद हो गए, तो जो बाद में औरतें अगवा हुई थी 50,000 मुसलमानों की, उनमें वो लोग भी थे जो उनके घर के पास थे, 2 औरतें, उन्होंने बताया काजी साहब का सर कलम करके और स्टेशन पे लटका दिया था मेरे मामू साहब का। पता ऐसे चला कि वो हमारी जो मामूजाद बहन थी ना, उसकी बेटी मेरी हम उम्र थी, मुझसे 1 साल छोटी थी। जब लोग भागे हैं वहाँ से मोहल्ले के, तो वो बच्ची भी उन्हीं के साथ भाग निकली, और वो चलते चलते काफिला उनका सरसा ज़िला हिसार में पहुँचा, तो हमारे दूसरे मामू की बेटी भी उस काफिले में थी, शादीशुदा बच्चों वाली। उसने उस बच्ची को पहचान लिया कि हैं तुम ज़किया की बेटी हो। रोने लगी देख के, उसे देखी हुई तो थी वो उसने, लेकिन वो इतना नहीं पहचानती छोटी। खैर वो उनको अपने साथ ले, उसने बताया कि इस तरह सब ने छल, मेरी अम्मी ने भी, खाला ने भी, मामी ने भी, सब ने छलांगे कुएं में लगा दी थी। और जो वो सर कलम करके लटकाया, वो हमारे
साथ डेरा गाजी खान में रहते हैं और वो उनके मुरीद भी थे, मतलब बड़ा आना जाना था। उन्होंने बताया कि जब जिस वक्त ये पाकिस्तान की मिलिट्री गई है और औरतों को निकाला है वहाँ से, तो मैंने तो उससे पहले ही काजी हफीज़ुल्ला नाम था मेरे मामू साहब का, मैंने मामू हफीज़ुल्ला को देखा कि उनका सर कलम करके स्टेशन पे लटकाया हुआ था। जिस वक्त हम पाकिस्तान की सरहद के पास आए, आप हमारी खुशी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। भूखे थे, प्यासे थे, जो कुछ भी था, हम लोग उतरे ट्रकों से, बसों से, और हमने नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद और सजदे में गिर गए। बेइंतहा खुशी हुई, बेइंतहा खुशी हुई। और लाहौर वालों ने भी हमारा बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया। बहुत लाहौर वालों ने बहुत दरिया दिली का सबूत दिया। देगें पक रही थी गोश्त की, नान पुलाव और ये वो, बिस्तर चारपाइयाँ और रज़ाइयाँ, और इस कदर उन्होंने खुशामदीद कहा। क्योंकि हमारी फूफीजाद बहन अनारकली के पास से रहती थी। तो वालिद साहब, हम तो खुश हो गए कि अब पेट भर के खाना खाएंगे, लेकिन वालिद साहब ने ना कोई बच्चा खाना ना खाई। दो तीन दिन का फाका है, अगर आप लोगों ने पेट भर कर खाना खाया तो आप लोग बीमार हो जाएंगे। फिर हमारे फूफी थी, वो भी महाजर बन के आई थी, वो फूफा जो थे वो भी उस मास्टर थे पत्तों के में, वहाँ चले गए एक महीना वहाँ रहे। उसके बाद फिर हमारे वालिद साहब का ट्रांसफर को ऑर्डर्स मिले डेरा गाजी खान के। फसादात तो 1946 से ही शुरू हो गए थे। जाट और सिख मिल के जथे बना कर लाते थे और मुसलमानों को मारने के लिए, लेकिन उस वक्त मुसलमानों के पास असलहा था, मुकाबला करते थे। मुसलमान भी जलसे जुलूस करते थे, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान, मुस्लिम लीग जिंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद। छोटे छोटे बच्चे, बच्चियाँ, मर्द, बूढ़े, जवान सब जलसे जुलूस करते थे। चूँकि उस वक्त ब्रिटिश रूल था तो इतनी कत्लेआम तो नहीं था, लेकिन झड़पें होती रहती थी और बेइंतहा जलसे जुलूस होते थे, और इंडियन लीडर्स भी और मुसलमान लीडर्स भी आकर तकरीरें करते थे। कायदे आज़म करते थे, लियाकत अली खान करते थे। हिंदू सिख चाहते थे कि इंडिया तकसीम ही ना हो, बिल्कुल कतन, ये गौ माता नहीं कटेगी। तो उनका ये था कि बिल्कुल तकसीम ना हो, और पाकिस्तान, ये मुसलमानों का था कि पाकिस्तान बने। कायदे आज़म के पीछे थे, यक ज़ुबान थे। और उस वक्त जो कायदे आज़म को पज़ीराई मिली तो पाकिस्तान तो नागुज़ीर हो गया। उस वक्त तमाम मुस्लिम लीग को वोटें पड़ी, पूरे इंडिया से पड़ी, और जलसे जुलूस होते थे और झड़पें भी होती थी। और 1946 से कहीं कहीं जहां हिंदुओं का बस चलता था सिखों का, वो मुसलमानों को मार देते थे। लेकिन जब पाकिस्तान अनाउंस हो गया, फिर फसाद ज़ोरों पे हो गए। उन्हें पता लग गया कि ये पोर्शन जो है ये हमारा है, और 50,000 औरतें अगवा की, नौजवानों को शहीद किया, औरतों को किया शहीद। किसी को कोई सामान लेके आने नहीं दिया लोगों ने, सब तलाशी ले लेते थे वहीं अमृतसर से पहले ही। और बहरहाल सब में ये जज्बा था कि सामान कोई चीज़ नहीं है, हम अपनी जान लेकर जाएं और अपना ईमान लेकर जाएं। 1955 में मैंने एमए ज्योग्राफी पंजाब यूनिवर्सिटी से किया। ठीक है, हालात बहुत मुश्किल थे, कई बार कपड़े सही नहीं होते थे, यूनिफॉर्म तो उन दिनों था नहीं, तो बहरहाल हमने पढ़ना नहीं छोड़ा, कोई साल ज़ाया नहीं किया। शादी के बाद मैं इंग्लैंड गई, वहाँ पे भी मैंने जाके पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एजुकेशन किया। तो जब मैंने अप्लाई किया कि मैं यहाँ पे दाखला लेना चाहती हूँ, तो उन्होंने इक्विवेलेंस निकाली। तो ये भी मैं बताना चाहूँगी कि उस वक्त
यूनिवर्सिटी के कैलेंडर में ये निकला कि MA फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी इज़ इक्वल टू MA इन इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। तो वहाँ का क्लर्क तो उछल पड़ा कि जी ये कैसे हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी हमारी यूनिवर्सिटी के बराबर हो। मैंने कहा मेरी यूनिवर्सिटी आजकल सदसाला जश्न मना रही है। पंजाब यूनिवर्सिटी वॉज सेलिब्रेटिंग सेंटेनरी एट दैट टाइम, और कार्डिफ यूनिवर्सिटी सिर्फ 70 साल पुरानी थी। मैंने कहा आपकी तो यूनिवर्सिटी हमसे यंग है। खैर, उन्होंने मेरा 3 घंटे का इंटरव्यू किया। तो कहते हैं, वेल मिसेज अरशद, यू हैव पास द इंटरव्यू, बट आई डोंट थिंक द ब्रिटिश गर्ल्स वुड लाइक टू बी टॉट बाई यू। मुझे तो चढ़ गुस्सा गया। 300 pounds तो उस वक्त उस दौर की फीस थी जो मैं दे रही थी, 13 रुपये का पाउंड था। मैंने कहा, लुक हेयर मिस्टर जोन्स, इन दैट केस यू विल हैव टू चेंज योर फेथ। क्राइस्ट वॉज ब्राउन लाइक मी, ही वॉज नॉट वाइट लाइक यू, एंड मोर ओवर ही वॉज एन एशियन। वो कुछ इतना उसको शर्मिंदगी हुई कि उसने मुझे दाखिला दे दिया। ये अल्लाह का करम है। मैंने 5 साल वहाँ पे ए लेवल और ओ लेवल को कार्डिफ हाई स्कूल फॉर गर्ल्स में पढ़ाया। लेकिन मैंने ये नोट किया कि आप कितनी भी वहाँ मेहनत कर लें, कुछ कर लें, सम हाउ दे थिंक यू इन्फीरियर। और मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैं सारी उम्र यहाँ नहीं रहूँगी। आई डोंट वॉन्ट टू बी ए सेकेंड रेट सिटीज़न। कायदे आज़म ने हमें फर्स्ट रेट सिटीज़न बनाया पाकिस्तान में। मैं यहाँ नहीं रहूँगी, बेशक यहाँ पैसा ज़्यादा है। वालिद 1945 और 46 में मुस्लिम लीग के जलसे अटेंड करते थे। कायदे आज़म को उन्होंने सुना, लियाकत अली ख़ान को उन्होंने सुना, और जितने मुसलमान लीडर्स हैं उनको तो सुना ही सुना। वो हिंदू लीडर्स को भी सुनते थे, पटेल को, सबको सुनते थे, और आके हमें बताते थे। और जो हम छोटे छोटे बच्चे थे, हम भी जलसे जुलूस निकालते थे, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान, मुस्लिम लीग जिंदाबाद, कायदे आजम जिंदाबाद, कायदे आजम जिंदाबाद। ये तमाम बच्चे, लड़के, लड़कियां, नौजवान, बूढ़े, सब। हत्ता के वो तो अपना, मैं बता तो रही हूँ कि 7 साल का मेरा भाई, उसने अपनी उंगली काट कर ब्लेड से खून निकाला, और वो क्लास 2 में था जहूर, और उसने लिखा बड़ा बड़ा खून से, बन के रहेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद। और हिंदू आखिर दम तक कोशिश करता रहा कि पाकिस्तान ना बने। बस 27वीं शब को पाकिस्तान बना। अल्लाह ताला इसको कायम दायम रखेगा इंशाअल्लाह ताला। और ये है कि यहाँ के लोगों को भी ये एहसास होना चाहिए कि किस तरह मुश्किल से पाकिस्तान कायदे आज़म ने लिया, और तमाम मुसलमानों ने उनको बैक किया, किस कदर कुर्बानियाँ और कितनी कुर्बानियाँ दी। हम तो कुछ भी नहीं लेकर आए थे, सिर्फ ये है कि हमारे वालिद का विज़न था, वो ख़ुद भी पढ़े लिखे थे, और हम 10 बहन भाई थे। हम सबको यूनिवर्सिटी एजुकेशन दी उन्होंने, और मैं गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुई, ये भी गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुई। हमारी एक बहन जो विमेन सीट पे MNA बनी, उसका अपना तालीम का भी अदारा है। और इस वक्त सभी इसी तरह आए थे लुटपुट के, हमने तालीम के ज़रिए से ही अपने आप को ऊपर उठाया है। और ईमान का जज्बा भी था, क्योंकि हमने हिजरत ही ईमान के लिए की थी। इस वक्त हमारे ख़ानदान में 24 डॉक्टर हैं और 10 लेडी डॉक्टर हैं और 4 वकील हैं। तो ये अल्लाह का करम है। और कई बार मुझे अब तक याद है, जब मैं 9th में पढ़ती थी तो डेरा गाजी खान में गई, तो हमारी टीचर कहने लगी, तुम्हारे जूते पे पॉलिश नहीं है। चूँकि मैं वहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती थी, तो मैंने उनको इंग्लिश में जवाब दिया, आई नो देर इज़ समथिंग लाइक कीवी एज ए पॉलिश, बट आई कांट अफोर्ड टू बाई इट, तो आई कांट पॉलिश माई शूज़, एंड दीज शूज आर बोरोड फ्रॉम समबडी, डू यू नो। तो ये मैंने कह के उनको जवाब दे दिया। वो मेरी बहन जो देहरादून से आई थी, वो उन्होंने उधर से हिजरत की थी, आर्मी में थे, तो मैंने उसकी जूती पहनी हुई थी। मैंने कहा, भाई हम तो नंगे पाँव नंगे सर आए थे, तो जूती भी बहन की पहनी हुई है, हमें सब पता है पॉलिश क्या होती है और कैसे करते हैं, आप हमें पढ़ने दें।
और वहाँ का ये था कि 10th में 10 लड़कियाँ थी, 5 पास हुई थी, उनमें मैं भी थी। वो ये नहीं हम मालूम कर सके कि हमारे चचा को, हम तो कस्बे में थे कि अम्बाले में किसने इत्तला दी, उस वक्त मोबाइल भी नहीं थे, कि आपकी भाभी जो है वो पीछे रह गई है और राहत भी पीछे रह गई है। वो किसी तरह अम्बाले से आए और उन्होंने, और ट्रकों में जगह ही नहीं मिल रही थी, हमारी वालदा को अपनी भाभी को उठा के ट्रक के अंदर डाला और उस बच्ची को भी डाला। मेरी दुआ है अल्लाह ताला जो मौजूदा जवान लोग हैं, जवान नस्ल है, लड़के लड़कियां और इवन मर्द औरतें भी तो जवान हैं, सब पूरी नस्ल को, पूरी नस्ल को अल्लाह हिदायत दे, इस्लाम पे चलेंगे तो कुछ हासिल करेंगे, जिसके लिए हमने ये मुल्क हासिल किया था, इस्लाम पे। नमाज रोज़ा जब तक नहीं होगा, इबादत नहीं होगी, तो ईमान नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, तो फिर तो बेकार है। तो हर मुश्किल आसान हो सकती है अगर हम इस जज्बे से काम करें कि हमने ईमानदारी से काम करना है, इस मुल्क को आगे बढ़ाना है। ये हमारा मुल्क, मुसलमान हिंदुओं से तालीम में पीछे थे, तिजारत में पीछे थे, अलबत्ता ज़िम्मेदारी थी और वो भी यूपी में थी। पंजाब में तो सिखों की थी अमलदारी, क्योंकि सिखों ने कब्ज़ा कर लिया था पंजाब पे, और जो हुकूमत सबसे आखिर में जाती है उन्हीं के पास सब कुछ होता है। तो जो इंडिया के मुसलमान हैं उनके पास तो ज़मीनें थी, उनको तो नेहरू ने ले लिया, और हमारी ज़मीनें छीन छान के सिखों ने ले ली थी। तो अब ये जो टुकड़ा पाकिस्तान का हमें अल्लाह ताला ने, और उसके बाद कायदे आज़म की कोशिशों से, और मुसलमान लीडरान बहुत से और जो इतनी कुर्बानियां दी हैं, शहीद हुए हैं, लूटे हैं माली तौर पर और जानी तौर पर, तो यही पैगाम है कि दिल जमी से मेहनत करें, इलम हासिल करें, और सबसे ज़्यादा ईमानदारी से। क्योंकि मैं जब इंग्लैंड गई थी, मैंने ये देखा कि उन लोगों ने हमारे वो औसाफ अपना लिए हैं जो हमारे इस्लाम के थे। मसलन ब्रिटेन में ईमानदारी 99% है, 1% या 2% तो हर जगह बेईमानी हो सकती है, लेकिन वो लोग ऑन द होल ईमानदार हैं, ऑन द होल, ना कोई मिलावट है ना कोई चीज़ है। तो इस तरीके से अगर हम कोशिश करें, मेहनत करें, तालीम हासिल करें और दिल जमी से करें, सिर्फ ये ना हो कि हम आज 1000 पति, कल लखपति, फिर करोड़पति, फिर अरबपति। अरबपति ज़्यादा हमसे परेशान है, मैंने तो ये नोट किया है, जो खुशी हमें अपने ख़ानदान में बैठ के, अपने कुनबे में बैठ के, अपने लोगों में, उनको पता ही नहीं हमारी औलाद कहाँ है, किस तरफ जा रही है। तो वहाँ पे वो अजीब व गरीब फिर केसेस नज़र आते हैं। अपनी पाकिस्तानी कौम से यही कहना चाहूँगी कि ये पाकिस्तान हमारे लिए एक तोहफा है अल्लाह का, जिस मुश्किल से ये पाकिस्तान हमने हासिल किया, शायद नई नस्ल को इसका एहसास नहीं और इल्म भी नहीं। ये जानी माली कुर्बानी देकर ये हमने हासिल किया। खुदारा अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पे चलें, ईमानदारी से मेहनत करें और कोशिश करें और करप्शन के नज़दीक भी ना जाएं। इंशाअल्लाह ताला अगर हमारी कौम में ये औसाफ पैदा हो जाएं तो हम दुनिया की बेहतरीन अक़वाम में से एक होंगे।